दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल अरेन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में सबसे ऊपर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश न्यू शिक्षक भर्ती 2024 पर आप सभी को पता है, अभी जो है परसों के डेट में मीन्स कहा जाए 5 सितंबर को आपने एक बड़े स्तर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना दिया, ठीक है। हालांकि उस धरने से एक सार्थक परिणाम जरूर निकल कर आ रहे हैं, जो कि लगातार न्यूज़पेपर की कटिंग में ये मुद्दा हमारा बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है। देख सकते हैं कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती की जगी उम्मीद। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक आपके बीच में जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन, खासकर अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें, तो जो भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में आता है और यहीं से गुम हो जाता है। इसी चीज को लेकर आप लगातार परेशान हैं, हैरान हैं कि भैया आखिरकार सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही आएगा या इसे जमीनी स्तर पर भी उतारा जाएगा। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं हालांकि आपके धरने से एक उम्मीद जरूर जगी हुई है। देख सकते हैं धरने के बाद बड़ी खुशखबरी, भर्ती से पहले यूपीटेट नोटिफिकेशन, यूपीटेट को लेकर जितने अभ्यर्थी जो है यूपीटेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं को नहीं क्वालिफाई किए हैं, यानी जो पात्रता परीक्षा हमारी होती है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार क्या सुपर टेट से पहले जो है यूपीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और नीचे देख सकते हैं शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन, और यहाँ सबसे बड़ी चीज यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग चेयरमैन का एक बयान है, और आगे की जो रणनीतियां हैं उस पर चलिए हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपके बीच में इसके अलावा चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ आपके बीच में लगा है, सबसे ऊपर यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है कि आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका, विवाद में न फंसे इसलिए सतर्कता बरत रहा आयोग, कमेटी की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी, ठीक है। और यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है हमारा ये जो धरने का मुद्दा है ये हर एक न्यूज़पेपर का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड छात्रों ने दिया धरना, नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर डीएलएड छात्रों ने सिविल लाइंस में पत्थर गिरजा घर के पास धरने के दूसरे दिन भी शुक्रवार को भी जारी रहा। आपको पता है इन चीजों को छोड़िए आप, ठीक है, जो हमने अपने लाइव प्रसारण में भी आपको दिखाया है ना, अगर हम वहां की बात करें तो आपको बखूबी पता है आज भी हमारा जो धरना है वो लगातार जो है चल रहा है, ठीक है। हालांकि 5 तारीख को बड़ा धरना हुआ ही, लेकिन ये धरना तब तक, हालांकि अगर देखा जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी प्रोफेसर कीर्ति पांडे, यहां देख सकते हैं अध्यक्ष कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया के संग वार्ता में उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करना है, आज उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है, इसलिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कहा जा रहा है प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, इसके लिए 14,000 आवेदन पहुंचे हैं। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए आवेदन किए गए हैं, ये चीजें भी आपके बीच में चल रही हैं। हालांकि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव हैं, देख सकते हैं अध्यक्ष कहा जाए आयोग के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का कहना है कि पहले जो भर्तियों के आवेदन लिए जा चुके हैं प्राथमिकता उनकी वो है कि हम पहले उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग भी इस चीज को लेकर लगातार परेशान थे कि कुछ इस पर भी सकारात्मक चीजें आए, तीनों ने कहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम अध्याचन सरकार को भेजेंगे, अभी उस चीज को भी आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसे भी हम थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिए आपके बीच में नजर आ रहा है सबसे ऊपर देख सकते हैं कहा जा रहा है अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर मांगे रिपोर्ट, शिक्षक भर्ती से टीईटी तक जो है निर्णय जल्द, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में काम में आएगी तेजी, और अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने कहा कि जल्द शुरू होगी जो है प्रक्रिया। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है इन चीजों को जुड़े प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाचार्य एडेड व जूनियर हाई स्कूल
वह इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के आयोजन के लिए जल्द ही जो है निर्णय होने की उम्मीद है। आगे कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते हुए आयोग की कार्यवाही होगी। इस बीच में आयोग के अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार व दूसरे अधिकारी अन्य तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू हो सके। 20 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्र उम्मीदों के केंद्र आयोग पर जो है गतिविधियां इसी महीने शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सर्वाधिक नौकरी देने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पीछे चल रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है, नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर DLED पूर्व BTC पास अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन पत्थर गिरजाघर के पास धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 वर्षों से जो है भर्ती नहीं आई है, लाखों बेरोजगार नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता धरने से नहीं उठेंगे। धरने का नेतृत्व कर रहे DLED अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो जल्द महाधरना बुलाया जाएगा और धरना देने वालों में ये लोग मौजूद रहे, ठीक है। यानी यहाँ देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से समय मांगा गया है। और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो DLED के हैं रजत सिंह का कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो अभी तो ये जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हमारा धरना था ये बिल्कुल छोटा था, ठीक है, और इससे बड़े धरने का आह्वान किया जाएगा अगर 1 हफ्ते के अंदर आपकी प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होती है, ठीक है। हालांकि इन चीजों को आपने देख लिया और आपके जो कंफ्यूजन थे चलिए उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, आप जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या भर्ती से पहले UPTET आएगा, देखिए लगभग मैं 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 90% ये मानकर चलिएगा कि भर्ती से पहले या SuperTET के नोटिफिकेशन से पहले आपका UPTET का नोटिफिकेशन आएगा, ये लगभग क्लियर माना जा रहा है। बाकी अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन इतना जरूर मानकर चलिएगा ये अगर इसी तरह से आप लोगों का सहयोग रहा, ठीक, और ये संगठन अगर इसी तरह से काम करता रहा तो आने वाले बहुत जल्द समय में हम एक बेहतर परिणाम तक जरूर पहुंचेंगे। हालांकि हम आपसे ये उम्मीद जरूर करते हैं कि जिस तरह से आपने धरने के लिए उत्सुक थे और एक बड़े स्तर से हम लोगों ने धरना किया, आपका जो सहयोग रहा वो काफी सराहनीय रहा। अगर 1 हफ्ते के अंदर जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अगर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं करता है तो हम लोग एक महाधरने की तरफ जो है अग्रसर होंगे, ठीक है। हालांकि इसके संदर्भ में आप सभी को बताया जाएगा, लगातार आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेगा, ठीक है। अगर भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सी भी शिथिलता आई तो आपको महाधरने के लिए आह्वान किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यह वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट्स आपका बचता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।